स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो बिहार के सारण जिले का है। वीडियो में एक तिरंगा दिख रहा है। इस तिरंगे में अशोक चक्र की जगह चांद तारा है। ये झंडा सारण जिले में ईद मिलाद उन नबी त्योहार पर निकले जुलूस के दौरान लहराया गया। इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, ये देश की शान तिरंगा का अपमान है। मामला सारण पुलिस तक भी पहुंचा और पुलिस अधीक्षक ने इस पर एक्शन भी लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद कोपा थाने में भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसमें शामिल लोगों की पहचान की गई। पुलिस ने उस पिकअप को जब्त कर लिया जिस पर झंडा लगा था। इसके साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया ये सुनिए। कोपा थाना क्षेत्र में आज सुबह मिलाद-उन-नबी के जुलूस में ये बात आई कि तिरंगे झंडे के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसको जुलूस में घुमाया जा रहा है। इस संदर्भ में फोटो और वीडियो प्राप्त कर करके शिनाख्त की गई और इसमें पाया गया कि तिरंगे झंडे में अशोक चक्र के जगह पर उसमें चांद तारे का निशान प्रयोग कर करके लहराया जा रहा था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दो युवकों को जो झंडा लहरा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है और जो कथित रूप से झंडे का बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसको भी जब्त कर लिया गया है। इसमें शामिल एक और अन्य व्यक्ति की बात आ रही है जिसने उन दोनों को झंडा दिया था, उसकी तलाश जारी है और हम लोग उस पर भी जल्दी से जल्द कार्रवाई कर लेंगे। तिरंगे के साथ छेड़छाड़ की घटना पर स्थानीय ग्रामीणों ने भी गुस्सा जाहिर किया। लोग थाने पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरना दिया। पकड़े गए आरोपियों ने कहा कि किसी तीसरे ने उनको ये झंडा दिया है। फिलहाल सारण पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टीवी 9 के लिए पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।